कितनी क्वालिटी वाली आइटम आपको मिल रही है, सारा फ्रेश का आइटम है। अगर ये देख सकते हो तो इस पे प्राइस भी लिखा हुआ है। वन दिखाई थी, मैं आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ भैया। देखो कितनी प्यारी आइटम आई है, नई आइटम आई है, हील के अंदर एकदम बहुत प्यारी आइटम भैया। ये देखो ये वाली बॉक्स वाली आइटम, बॉक्स की आइटम मिलेगी, एकदम जेन्युइन क्वालिटी मिलेगी। मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम चप्पल, और ये सारी पीयू होती है ना भाई। ये देखो गाइस, मेड इन इंडिया, आप देख सकते हो पूरा इंडिया का आपको यहाँ पर मिल रहा है। आजकल बहुत ट्रेंड में 40 रुपए की रेंज है, लूज के अंदर आता भैया। चलना भैया ठीक है, चाहे आप कैसे करो। कुछ लोग कहते हैं सोल उखड़ जाता है, ये हो जाता है भैया, कोई सोल नहीं उखड़ेगा, दिल्ली मेड है और मशीन मोल्डिंग है। के लिए बता दीजिए कि अगर कोई भी नया काम करना चाहिए उसको फ्रेश के माल लेना चाहिए या सेकंड का माल लेना देखो चाहिए। सर वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज फिर से एक बार आ चुका हूँ मेवात बूट हाउस के पास। तो गाइज आज का जो कलेक्शन होगा सारा किड्स में, लेडीज में, जेंट्स में, पीयू की आइटम हो या फिर जैसे सैंडल्स में, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन मिलने वाला है। तो एज यूजुअल मेवात बूट हाउस की आज की ये मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो होने वाली है। तो मेरे साथ है यहाँ पर मौजूद यहाँ के ओनर सर। सबसे पहले वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल पर फिर से एक बार। सर आज की वीडियो में क्या क्या दिखाने वाले हो भाई? आज की वीडियो में वैसे तो देखो जी, इस समय चल रही है सर्दियों का काम चल रहा है, फिर भी आगे गर्मियों का होने वाला है। हाँ जी, तो मैं पहले गर्मियों के स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और विंटर का भी है तो विंटर का तो मैं दिखाऊंगा लास्ट में। पहले गर्मियों के सैंडल स्लीपर से स्टार्ट करेंगे भैया। भाई कितने रुपए से वैरायटी स्टार्ट हो जाती है भाई साहब? सस्ती चप्पल भाई, देखो जी मेरे वीडियो पे ना तो मैं आप लोगों से कभी कहा कि मेरे थंबनेल पे 10 रुपए लिखो, 8 रुपए लिखो, क्योंकि मेरे को इस चीज से बहुत बड़ी दिक्कत भी है। और मैं हर एक से कहता हूँ वीडियो बनाने वाले से, भैया जो जेन्युइन है वो चीज लिखो। बहुत सी वीडियो पे देखा है कि लोग 7 रुपए 8 रुपए लिख देते हैं, 7 रुपए 8 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि 10 रुपए का भी गुटके का रेट हो चुका है, शायद उसमें भी 2-3 रुपए का इंक्रीज हो चुका है। हाँ जी, 10 रुपए में चप्पल नहीं मिलती है। बहुत से ग्राहक मेरी दुकान पे आते हैं, भैया 10 वाली चप्पल दिखा दो, 10 वाली चप्पल दिखा दो, और उससे हमारी हर बार एक बहस होती है, भाई 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता, बेमतलब में यहाँ से दिल्ली में आके ठग करके जाएगा। हाँ जी, अच्छे दुकानदार पे 10 रुपए में कुछ नहीं आएगा, सारा बी का सेकंड का या फेंकने वाला माल होगा वही 10 रुपए में मिलेगा। चलिए फिर दिखाते हैं अपनी वैरायटी सबसे पहले। हाँ जी हाँ जी, वैरायटी दिखा देते हैं जी। तो भैया स्टार्ट करते हैं, अपनी पहली वैरायटी कौन सी होगी भैया? भैया पहली वैरायटी मैं बच्चों की चप्पलों से दिखा देता हूँ, जो लूज के अंदर आ रही है इस तरह से, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से भैया चप्पल होगी, ठीक है, ये लूज की चप्पल है भैया, आप दिखा सकते हो। तो कितने रुपए इसका प्राइस भैया? इसका रेट जो है, इसका रेट है जी 25 रुपए और 30 रुपए, जो इस तरह से भैया लूज के अंदर ऐसी इस तरह से आएगी भैया। लूज में होता पूरा पैकेट लेना पड़ता भैया, पैकेट के अंदर आएगी भैया। पैकेट के तो बोरियों के हिसाब से लेते हैं क्योंकि क्वांटिटी बहुत अच्छी बिकती है। हाँ जी भाई, 25 रुपए 5 से 10 का रेट है और 11 से 3 का रेट 30 रुपए है, ये 50 रुपए रिटेल के अंदर आराम से बिक जाता है भैया, डबल का मार्जिन है। और सही मार्जिन पे काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम मार्जिन पे काम करोगे तो अच्छा माल बिकता है भैया। एक चीज मेरे को बता दीजिए भैया, जैसे कि मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है कि भाई लोग बोलते हैं कि हमारे पास फ्रेश का माल है, फ्रेश का माल है, फ्रेश का माल है, लेकिन निकलता है वो सेकंड का माल है, तो वो क्या डिफरेंशिएट होता है क्या? सर होता है, ये तो आपने पहली वीडियो तो आपके चैनल पे डली हुई नहीं। हाँ जी, और मैं हर एक वीडियो में वीडियो का नहीं बोल रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि मार्केट में ही होता है सर। ये सिर्फ ग्राहक को गुमराह करने का एक जरिया होता है, एक दूसरा ग्राहक की भी गलती है, ठीक है। आज इस चप्पल का रेट भैया 25 रुपए की है, मैं नहीं मानता कि 25 रुपए का माल कोई 15 रुपए में देगा आपको, ठीक है, आप समझो। जो आदमी इसका 15 रुपए दे रहा है तो ग्राहक को भी तो अपना दिमाग होना चाहिए भाई, 25 रुपए की सभी दुकान में 25 रुपए या 24 रुपए या 26 रुपए बता रहा है, 1 रुपए का ऊपर नीचे का अंतर मैं मानता हूँ, 10 रुपए का अंतर भैया पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ फॉल्ट होगा, या तो आपके पैसे लेके बैठ जाएगा या सेकंड का माल है, ऐसा ही होगा सर। तो इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ हमेशा कि दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पर नंबर है वहां पर आप फोन कॉल कीजिए, प्लस अगर कोई विजिट कर सकता है तो पहले प्रायोरिटी देता हूँ कि शॉप पर विजिट करिए, फिर आप माल लीजिए, और अगर इनकेस नहीं आ पाते तो अच्छे दुकानदार से माल लीजिए। मेरा जी, मैंने किसी वीडियो में किसी ग्राहक से ये नहीं कहता कि आप मुझसे माल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माल लेना ना लेना ग्राहक के दिमाग की बात होती है, मेरी बोलने की शैली या मेरी दुकान के माल क्या, यानी कि मेरी बोलने क्या दुकान का माल बोलता है सर। ग्राहक ने ना तो व्यवहार काम आता, कुछ ना व्यापारी काम आता है। व्यवहार तो यहाँ तक आता है भाई, आपने जो मुझे दिखाया या जो मैंने आपको दिया, आपको सही समय माल दिया, व्यापार में बढ़िया करूंगा तो व्यवहार अपना बढ़िया बन जाएगा भैया। कारण क्या है, लोगों ने कुछ आज वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें डाली हुई है कि ग्राहक गुमराह हो जाता है।
गुमराह करने वाला काम मेरे पे कुछ नहीं होगा भैया। ठीक है, तो अगली वैरायटी में जैसे इसमें फिर एक चप्पल ही और भैया। ठीक है, इसका रेट भैया 24 रुपए और 29 रुपए। इसको पानी पट्टी बोलते हैं भैया इस तरह। हाँ जी, हाँ जी, ये इसका पूरा पट्टा होता है। हाँ जी, हाँ जी, पानी पट्टी। ठीक है भाई, 5 से 10 और 11 से 3 का रेट होता है, 25 रुपए और 30 रुपए। ठीक है, किसी को इसी के अंदर बड़ा चाहिए इस तरह का लेडी चप्पल बोलते हैं भैया। ठीक है भाई, ये 35 रुपए की रेंज है भैया। ये इस तरह की इसमें डिजाइन है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट्स आपको काफी सारे मिल रहे हैं। कभी फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा, इस टाइप के रेक्टेंगल वगैरह प्रिंट्स आपको। एक इस तरह की आइटम बहुत बढ़िया बिक रही है, ये कटिंग वाली है, 38 रुपए की भैया। 38 रुपए। ये देखिए, ये देखो गाइस, आराम से रिटेल में 99 की सेल करो, 150 की सेल करो, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है किस तरह की मार्केट आपके एरिया में है। और ये देख सकते हो यहाँ पर कलेक्शन काफी सारा मिल जाएगा गाइस। वीडियो में हम कुछ ही सैंपल दिखाएंगे, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए। 32 रुपए की भैया, 32 रुपए इसके अंदर भैया। ये डबल कलर है, किसी को सिंगल कलर की पट्टी बिना प्रिंटिंग वाली आती है, सब लोग जानते हैं। वो इस तरह से पैकेट में आती है भैया, वो 20 रुपए से स्टार्ट हो जाती है मेरे यहाँ। 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए, 32। वैरायटी बहुत है, वीडियो का माध्यम सिर्फ थोड़ी आइटम दिखाने का होता है। ये भैया ईवा बोलते हैं, आप चाहे इसको कैसे भी करिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, ईवा में भी काफी सारा कलेक्शन मिल जाता है जो कम रेट पे सेल होता है और काफी चलता भी है। ये बच्चे का है जैसे, ये 24 रुपए 29 रुपए का रेट है भैया। इसी के अंदर एक बच्चे की चप्पल आती है, वो इस तरह की चप्पल आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की चप्पल आती है भैया, बिना प्रिंटिंग की आती है। हाँ जी भाई, वो 18-19 रुपए से स्टार्ट हो जाती है सर। लेकिन मार्केट में 12-12 बेचते हैं, 12 रुपए बेचते हैं, वो सेकंड का माल होता है ये 12 में, तो फिर 12 वाला ही माल मिलेगा सर, और बढ़िया माल तो मिलेगा ही नहीं है सर। ठीक है भाई, और फिर इसी के अंदर फिर किसी को जेंट्स की कलेक्शन चाहिए लूज के अंदर, 57 रुपए के अंदर भैया। देखो बहुत प्यारी आइटम है। तो गाइस देख सकते हो इस टाइप एक्यूप्रेशर वाली जो दाने वाली जो चप्पलें चलती है, इसका क्या प्राइस है भैया? 57 रुपए, 57 रुपए आप ये देख सकते हो। हाँ जी भाई, तो लूज में ही चलेंगी, बॉक्स में अगर लेना चाहे तो भाई को ये बॉक्स के आइटम मैं सारी दिखा दूंगा। पहले मैं आपको एक ग्राहक का क्या है कि मैं सस्ती आइटम से स्टार्ट कर रहा हूँ, टोटल आइटम बॉक्स में भी मिलेगी। ठीक है भाई, 57 रुपए के अंदर, 57 रुपए में गाइस इस टाइप की आइटम मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। फिर इसी के अंदर किसी को लूज में पीयू चाहिए, आजकल पीयू का बहुत बढ़िया दौर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे ये वाली रेट है जी, ठीक है, आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, इस टाइप की पीयू की आइटम मिल जाएगी। इसका क्या प्राइस रहता है? ये भैया 75 रुपए की रेंज लूज के अंदर है। 75 रुपए, अच्छा लूज में मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे पैकेट के अंदर। तो लूज में भी आइटम आपको काफी सारी मिल जाएगी जो मोस्ट चलती है, मतलब सबसे ज्यादा आजकल की लूज में सबसे ज्यादा इजी भी पड़ जाती है सेल में, मतलब हाँ जी, हाँ जी। ये इसमें बच्चे का भैया 60 रुपए, ठीक है भाई, और ये 65 रुपए, 65 5 to 10 और 11 to 3। फिर इसी के अंदर एक कोल्हापुरी चप्पल आती है इस तरह से, अच्छा लेडीज में आती है। हाँ जी, हाँ जी, इसका खुला पैर मैंने दिखा दिया, 80 रुपए का रेंज है। ये देखो 80 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, आजकल ग्रे पट्टे वाली भी चल रही है। हाँ जी, ग्रे सोल है जैसे। ये देखो गाइस, ग्रे सोल वाली मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम चप्पल, और ये सारी पीयू होती है ना भाई। जी, हाँ जी, ये देखो इस तरह की आइटम भैया, फैंसी चप्पल बोलते हैं भाई इस तरह की, ये दिखा सकते हो। ये 80 रुपए की रेंज है जी, इसके अंदर 15-20 डिजाइन मिनिमम आते हैं जी पैकेट के अंदर। इसका क्या रहता है ग्रे सोल वाली का? ये भैया इसका पैकेट के अंदर रेट है 95 रुपए का। 95 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई। फिर 15 और 120 रुपए की स्टार्टिंग होती है भैया लूज के अंदर इस तरह से, आप दिखा सकते हो खुला पैर। ये दिखाना भैया एक, ये देख सकते हो गाइस, इस टाइप की ट्रांजी आपको स्ट्रिप्स मिल जाएगी, ऊपर आप देख सकते हो पूरा नीचे पीयू का ग्रे सोल आपको मिलेगा। इसका क्या प्राइस रहने वाला है भैया? ये 115 रुपए की, 115 रुपए में, और काफी बढ़िया आपको क्वालिटी दिख रही होगी गाइस, सारा फ्रेश की आइटम है, फ्रेश का माल आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये देखो, हाँ जी भाई, ये 20 से 95 रुपए की पीयू भैया इस तरह से भैया, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है आपके पास, देखी है ये देखो, और ये देख सकते हो पैकेट के अंदर। हाँ जी भैया, फिर किसी के अंदर इस तरह के आइटम चाहिए जेंट्स की आइटम है भैया। ठीक है, ये लूज के अंदर 125 रुपए की आइटम है, इस तरह से आइटम है। हाँ जी भाई, देखो गाइस मेड इन इंडिया, आप देख सकते हो पूरा इंडिया का आपको यहाँ पर मिल रहा है, मेड इन इंडिया। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ कि मेड इन इंडिया से काम करो, देश का आगे बढ़ाना है। ये हमारा एक सिर्फ मोदी जी का काम नहीं है, ये हमारे भी बनती है, हमारे भी एक दायित्व बनता है कि देश को आगे बढ़ाना। देश आगे जब बढ़ेगा, जब अपना बना हुआ माल हम खुद बेचेंगे तभी बात बनेगी। बाहर का माल ना बेचो, इंडियन माल बेचो, किसी से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स समय पे दो, टैक्स जरूर दो, कोई भी देश टैक्स से ही आगे बढ़ता है, बिना टैक्स से कुछ आगे नहीं बढ़ता है। तो गाइस यहाँ पर कलेक्शन आप देख सकते हो भरपूर मात्रा में आपको मिल रहा है, 125 रुपए की रेंज। ओवरव्यू दिखा देता हूँ, देखो शूज का भी कितना सारा कलेक्शन है। ये देखिए, ये बच्चे का भैया, उसी का जो मैंने आपको दिखाया बच्चे की आइटम है। ये भैया 115 और 110 रुपए की रेंज का भैया आइटम बहुत सारी है जी। फिर किसी को बॉन्ड वगैरह चाहिए, आजकल बॉन्ड बहुत बोलते हैं जी, ये 55 रुपए का भैया लूज में, 55 में। ये क्रॉक्स 65 रुपए में, मेड इन इंडिया। हाँ जी, ठीक है भाई। इसमें कलर कलर इसमें भैया 3-3, 4-4 कलर आते हैं, ब्लैक ब्लू ब्राउन इस तरह से पैकेट के अंदर होता है। ठीक है, लूज में रहता इस है इस तरह से जी। ये देखो इसमें टोटल कितने होते हैं पीस? 4-4 पीस के पैकेट होते हैं भैया। हाँ, और कार्टून 120 पेयर का होता है, 4 कलर मिक्स होते हैं जी। ठीक है भैया, ये तो स्क्रीन पर भैया का नंबर है, फिर से मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए। एक बार एड्रेस बता दीजिए भैया, अगर कोई भैया मेरी दुकान का एड्रेस सिमंदर वाली गली के अंदर, मेवात बूट हाउस दिल्ली
इंद्रलोक में पड़ती है। हाँ, जिसने दुकान पे आना है भैया, नियर अबाउट हमारा दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली दोनों से सेम ही रास्ता पड़ता है आधे घंटे का बाय ऑटो, और इंद्रलोक का खुद का मेट्रो स्टेशन है। आप मेट्रो स्टेशन से उतरिए और किसी से पूछ ले मुझे चप्पल मार्केट में जाना है, चप्पल मार्केट में आके गुरुद्वारे के पास आप आइए। गुरुद्वारे के पास आके अगर आपको कोई दुकान की लोकेशन नहीं बताता है या आपको समझ नहीं आती है तो मेरे मोबाइल पर फोन करो 9711768000 पर आप कॉल करिए और मैं अपना लड़का 100% आपको विजिट कराने के लिए दुकान पे बुलाऊंगा। दुकान पे आइए, दिल्ली में आने के बाद जरूर एक बार दुकान पे विजिट करें। माल लेना लेना आपकी ऊपर है सर, जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं है सर। किसी को आप, जैसे मैंने आपको सारी लूज की आइटम दिखाई थी, अब मैं आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ भैया। देखो कितनी प्यारी आइटम आई है, नई आइटम आई है, देखो हील के अंदर एकदम बहुत प्यारी आइटम भैया। ये देख सकते हो गाइस कितनी शानदार आइटम आपको मिल रही है 165 रुपए के अंदर भैया, बॉक्स के अंदर आइटम ठीक है, बॉक्स के अंदर रहेगी 165 रुपए। और सोल देख सकते हो कितनी प्यूर में मिल रही है, बढ़िया सोल आपको मिल रही है। और किसी को इसी के अंदर थोड़ा जाइए, ये देखो 5 रुपए कम है, थोड़ा मामूली सोल हल्का कम है, पतली सोल हो जाएगी। हाँ जी, और एक ये वाली आइटम भैया 155 रुपए में, बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं मक्खन माल होगा भैया, ठीक है। और इसी के अंदर जैसे हवाई, किसी ने आपने बोला डिब्बे वाली आइटम चाहिए, तो डिब्बे वाली हवाई आपको ये मिलेगी इस तरह से। ये 92 रुपए का रेट है भैया, 92। ये देखो गाइस 92 में आपको ये वाली बॉक्स वाली आइटम, बॉक्स की आइटम मिलेगी, एकदम जेन्युइन क्वालिटी मिलेगी, जेन्युइन माल मिलेगा भैया। ये देख सकते हो गाइस कलर वेरिएंट आपको काफी सारे मिल जाएंगे, डिजाइन आपको काफी सारे मिल जाएंगे। हाँ जी, बॉक्स वाली आइटम मिलेगी 95 इसका प्राइस रहने वाला। हाँ जी, किसी को बॉक्स में लेडी चप्पल चाहिए तो 100% मिलेगी, लेडी चप्पल का रेट है 72 रुपए का भैया। हाँ जी भैया, ये देख सकते हो गाइस कितनी क्वालिटी वाली आइटम आपको मिल रही है, सारा फ्रेश का आइटम है। अगर ये देख सकते हो इस पे प्राइस भी लिखा हुआ है 169। कितना प्राइस बताया इसका आपने भैया? ये 72 रुपए बताया, 72 का बताया। तो आप अगर इस पे एमआरपी पे सेल करते हो, 150 रुपए की भी सेल करते हो, तो जब भी आपको डबल का मार्जिन आराम से मिल जाएगा। और इसी के अंदर फिर बच्चे को सैंडल से स्टार्ट कर देता हूँ भैया। बच्चे का सैंडल ये है भैया, छोटा साइज 2-3-4 आता है भैया, बहुत प्यारी आइटम है, लाइट वेट हो जाना, एयर का माल है। बहुत से लोग कहते हैं एयर सोल होता है, बहुत से लोग कहते हैं बाजार में 65 रुपए का माल होता है, भैया बिल्कुल पत्थर जैसा माल होगा, बिल्कुल टाइट होगा, भारी होगा। ये आप अपने हाथ में खुद पकड़ के देखिए, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है पीयू जैसा माल हो। हाँ जी भाई, आपने ये तो आप खुद ही देख सकते हो, क्योंकि आप तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर को भी जरूर देखना चाहिए कि मैं ग्राहक को दिखा के आ रहे हैं, सामने वाला व्यापारी खुद बकवास ही कर रहा है कि सही बता रहा है। आप खुद अपने आप हाथ में देखो, बिल्कुल लाइट वेट वजन भैया। हाँ जी भाई, बट 2-4 का रेट है इसका जी 70 रुपए का, और 5-10 का रेट है भैया 72 रुपए का। ठीक है भाई, ये बॉक्स के अंदर की रेट है जी। हाँ, इसके अंदर डिजाइन आपके सामने बहुत सारे आएंगे जी, ठीक है। ये डिजाइनों की बहुत भरमार है जी, कलेक्शन आपको काफी सारा मिलेगा। हाँ जी, आप देख सकते हो, और इनके अलावा भी यहाँ पर भी देख सकते हो। हाँ भैया, प्यू में भी है, प्यू में भी दिखाऊंगा। जैसे ये प्यू में आइटम है भैया, इसमें 15-20 डिजाइन है, 105 रुपए के रेंज है, 105। हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर। और किसी को बाजा वाला सैंडल चाहिए, चूचू इसको 70 रुपए बोलते हैं भैया, 70 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, फिर किसी के लिए ये चूचू में भी सस्ते भी मिल रहा है भैया। चूचू सस्ते में नहीं मिलता, चूचू इसी रेटों में आता है भैया, 70-72 रुपए से कम कोई चूचू नहीं आता, ठीक है। मतलब मार्केट में मैंने देखा है, वो सेकंड का माल होता है, सेकंड का माल होता है, बजेगा नहीं, फिर उनकी बस्ता वो बंद। हाँ जी, हाँ जी, एक इस तरह से क्रॉस है भैया आजकल बहुत ट्रेंड में, 40 रुपए के रेंज है, लूज के अंदर आता भैया। हाँ जी भाई, लूज के अंदर इस तरह से, ठीक है। ये बॉन्ड है भैया, ये बॉन्ड 35 रुपए का, इस तरह से लूज में ऐसे आएगा पैकेट, पैकेट के अंदर सारे कलर होंगे, एकदम बच्चे का माल चकाचक माल होगा भैया। फिर इसी के अंदर फिर किसी को चाहिए भाई, डिब्बे के अंदर बच्चे का पीयू का सैंडल इस तरह से, अच्छा, इसमें 15-20 डिजाइन भैया मिनिमम मिलेंगे, ठीक है। ये 100 रुपए की रेंज है भैया, और इसी के अंदर 11-12-13 1-2-3 चाहिए, 115 रुपए 120 रुपए का रेंज भैया। फिर किसी को लेडीज का सैंडल चाहिए इस तरह का, इसमें 40-45 डियान मिनिमम मिलते हैं भैया, सस्ते के अंदर है, 135 रुपए के रेंज के अंदर है। 135 रुपए। हाँ जी, तो भाई एक बार मेरे को बता दीजिए कि अपना मिनिमम ऑर्डर कैसा रहता भैया? मिनिमम ऑर्डर भैया मेरे यहाँ पे, मैं तो होलसेल में मिनिमम ऑर्डर कुछ मानता नहीं हूँ, जिस आदमी दुकान करना है 20-25 हजार रुपए में तो कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर ग्राहक कहता है कि सामने वाले पे पुराना है, उसे तो पता ही है कि मेरे दुकान पे ट्रस्ट वाला काम है, नया व्यापारी अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो 25 हजार रुपए का मिनिमम ऑर्डर रखा गया है, क्योंकि 2-3 कार्टून जरूर चाहिए होते हैं एक ट्रांसपोर्ट भेजने के लिए भैया। हाँ जी भैया, अगर शॉप पर कोई विजिट करता तो उससे कम ले सकता भैया? शॉप पे विजिट करने के बाद वो अपनी मर्जी, चाहे ले ना ले, चाहे वो कितना ही के ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है शॉप पर। तो और कुछ कहना चाहते हो भैया? सर मैं ये कहना चाहता हूँ 12% जीएसटी है, आपको पता ही है। किसी को अगर जूते चाहिए तो जूते की कलेक्शन बहुत मिलेगी भैया बच्चों में। ये देखो ये लूज की आइटम है भैया, 65-70-75-80 रुपए की रेंज के, जो मैं पहले वीडियो में काफी बार दिखा चुका हूँ। 2-4 में सैंपल दिखा देता हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ी ना बन जाए, ठीक है। इस कारण से इस तरह की आइटम भैया आती है, ये 70 रुपए की रेंज का भैया, ठीक है, 70 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी, मैं 5-7-10 पैर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये देखो, ये 75 भैया, ठीक है, ये चेन वाली आइटम। हाँ जी, हाँ जी, ये 70 भैया, ये देख सकते हो 70 रुपए।
तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ गाइस, आइटम आपको काफी सारे यहाँ पर मिलेंगे। ये इस तरह के आइटम भैया, सारे लूज वाला भैया, ठीक है। ये देख सकते हो आपको गाइस पूरा व्यू ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, इस तरह के आइटम। किसी को मुझसे माल मांगना तो हम इसकी फोटो सब पे हो जाएगा, ठीक है। डिब्बे के आइटम चाहिए तो डिब्बे में भी है, ठीक है भैया। 125 रूपए के अंदर भी, 125 रूपए इसके अंदर 15-20 डिजाइन मिनिमम मिलते हैं, जो आप इधर फोकस करा सकते हो। सारी आइटम ये 125 वाली है भैया, ठीक है। इसी के अंदर किसी को 11 से 2 से 5 बड़ा जूता चाहिए बच्चों में, इस तरह का मिलेगा 180-190 रूपए, 180-190 रूपए। काफी सारे डिजाइन है जो पीछे आपके सामने चल रहा है, ठीक है। और किसी को इसमें थोड़ा और बढ़िया चाहिए, ग्राहक कहता है मुझे और बढ़िया माल चाहिए, तो ये वाली रेंज का है भैया, 250-260, 11 से 250-260, एकदम जेन्युइन माल होगा भैया, ठीक है भैया। और इसी के बाद फिर इसमें किसी को छहनों के आइटम चाहिए, छहनों में 175 रूपए से रेंज स्टार्ट हो जाती है भैया। इसके अंदर करीब 15 से लेकर 20 डीएन मिनिमम मिलेंगे सर, हाँ जी भाई। और इससे ऊपर जाती है तो 235 रूपए के अंदर है, जो पीछे दिखा सकते हो आप, सारी आइटम पीछे लगी हुई है सर, हाँ जी भाई। और इसी के अंदर किसी को सॉक्स वाली आइटम आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है भैया, ठीक है। चाहे आप कैसे करो, कुछ लोग कहते हैं कि सोल उखड़ जाता है, ये हो जाता है, भैया कोई सोल नहीं उखड़ेगा, दिल्ली मेड है और मशीन मोल्डिंग है, कोई सोल किसी प्रकार से नहीं उखड़ेगा जी, एकदम जेन्युइन क्वालिटी होगी। 15 से 25 डीएन इसमें मिलते हैं भैया, हाँ जी भाई। ये वाला इसका रेट है भाई साहब 295 रूपए सर, 295, हाँ जी। और किसी को पीयू का 280 में भी मिल रहा है भैया, कई जगह तो मैंने देखा 280 भैया, क्या है 280 वाला फ्रेश का है जी, 295 वाला फ्रेश का है, ठीक है क्या भैया। हर एक की क्वालिटी का थोड़ा क्या है कि मशीन मोल्डिंग और उसका जरूर फर्क है, ठीक है। 2-4-5 रूपए का फिर किसी का फैक्ट्री वाले का भी तरीका होता है जी काम करने का, डिब्बे का किसी का हर एक चीज का अलग होता है। 5-4 रूपए जोड़ी के बारे में हम भी फैक्ट्री वाले से नहीं बोलते, 5-4 रूपए जोड़ी का एक तो भैया क्या है कि क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है भैया। और किसी को पीयू के स्लीपर चाहिए इस तरह की रेंज का, ये बॉक्स के आइटम भैया जो, तो ये देख सकते हो गाइस आपको काफी सारा यहाँ पर कलेक्शन मिल रहा है इस टाइप की। देखो स्लीपर्स जो कोल्हापुरी चप्पल होती है 150 रूपए की आइटम में मिल जाएगी। तो भाई एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि अगर कोई भी नया काम करना चाहिए उसको फ्रेश के माल लेना चाहिए या फिर सेकंड का माल लेना देखो चाहिए। देखो सर मैं एक बार जिस आदमी ने सेकंड का काम कर रखा है उसे पता है सेकंड में क्या होता है, हाँ भाई। तो सेकंड में जाइए 100% जाइए, बहुत बढ़िया काम है सेकंड का। मैं ये नहीं कहता सेकंड का काम गलत है, ठीक है। जिस आदमी भाई कटापटा जो माल बेच सकता है, जिसने पटरी लगानी है उसके लिए सेकंड बढ़िया होता है, जिसकी दुकान है और जिसने जेन्युइन माल बेचना है सर उसको फ्रेश का ही काम करना चाहिए माल। चाहे मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लीजिए, ठीक है ना, मैं अपने वाले मेरे पास आप विजिट करिए, मेरे माल में दम होगा और मेरे में दम होगा तो माल 100% आप मुझसे लोगे। जो जेन्युइन बायर है, जेन्युइन बायर जो होगा 100% लेगा। मैं किसी से नहीं कहता आप मुझसे माल लीजिए, ठीक है। माल पे दुकान पे आओ, विजिट करो, मेरी कलेक्शन देखो, अच्छा लगे लीजिए, पर फ्रेश का ही माल लीजिए। फ्रेश के माल में भैया क्या कटापटा निकलता, सेकंड के माल में 6 नंबर दूसरे कलर का, 7 नंबर दूसरे कलर का, अंट फंट सारा, 30 जोड़े तो 30 के 30 अलग हो गए। क्या पता आपने एक कार्टून लिया 30 जोड़े का, 4 जोड़ी ठीक निकल गई, बाकी सारी कलर 4 जोड़ी भाई 30 जोड़ी बी का मतलब तो भाई साहब कोई फ्रेश का माल नहीं डालेगा, हां जी भाई। एक चक्कर और चलो कटापटा 9 नंबर का ही कार्टून निकल गया तो आप कैसे बेच पाओगे उसको, हां जी भाई। बी के अंदर एक ये कमी है और कोई दिक्कत नहीं, ग्राहक समझदार है जी, ठीक है, सभी के अंदर बुद्धि है जी, अपना दिमाग लगाएं और अच्छे दुकानदार से माल लें। तो भाई एक बार फिर से अपना एड्रेस बता दीजिए भैया। मेरी दुकान का नाम मेवात बूट हाउस है, सिंह मंदिर वाली गली के अंदर है, ये है मेरा कार्ड रहा, ये देखो गाइस भैया का मैं कार्ड, जेन्युइन दुकान है, पुरानी दुकान है भैया, विजिट करोगे आओ दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद आपका 100% वेलकम है, हाँ जी भाई। इज्जत मान सम्मान पूरा दिया जाएगा, माल लेना चाना लेना उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलिए गाइस करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।